So hello and welcome back guys, we are on a video on my channel Varun Logs. So today I'm at Diara Fort, which is located near Dibdi Overbridge, Ranchi. And today I'm going to review the 2020 Ford EcoSport Titanium Sports model, which is a diesel variant of the car. And we'll talk about the specification features, about the interiors as well as the exteriors, and about the price quotation of the car. So without wasting any further ado, let's get straight into the topic. So this is the 2020 Ford EcoSport Sports variant, which is the topmost variant of the car. And car ke sath agar aap key ki baat kare to aapko kuch is tarah ki key provide ki jati hai. Simple aapko lock unlock buttons isme diye jate hain. And agar gaadi ka front profile check kare to aapko kuch is tarah ki profile dekhne ko milegi. Talking about the radiator grille, aapko grey ya black type ki finish pe aapko ek finishing di gayi hai. Titanium variants pe aapko chrome finishing di jati hai. Niche ki taraf agar aap dekhenge to aapko Ford ki badging dekhne ko mil jati hai. एंड ये गाड़ी कुछ फन प्रोफाइल है. अगर आप हेडलैम्प्स की बात करें तो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूनिट देखने को मिलते हैं, साथ ही आपको LED DRL सेटअप साथ में देखने को मिल जाता है. टॉकिंग अबाउट द फॉग लैम्प्स, यू गेट हैलोजन फॉग लैम्प्स विद इंडिकेटेड टर्न इंडिकेटर्स. एंड नीचे की तरफ आपको स्किड पेस देखने को मिलते हैं. फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते हैं. एंड ये गाड़ी की कुछ प्रोफाइल है. टॉकिंग अबाउट द टायर्स, यू गेट 205/60 डायमंड कट 16 इंचेस अलॉय. अगर आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो पा रही होगी तो ये कुछ टायर की प्रोफाइल है. आपको गुडियर्स के टायर प्रोवाइड किए जाते हैं. एंड ये गाड़ी की टायर की कुछ प्रोफाइल आपको देखने को मिलती है. फ्रंट डिस्क ब्रेक्स, रियर ड्रम ब्रेक्स. एंड अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो ऐसी गाड़ी की कुछ साइड प्रोफाइल आपको देखने को मिलती है. टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस, यू गेट 205 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस. ORVMs आपको बॉडी कलर्स में देखने को मिलते हैं विद इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स. ऑटो फोल्डेबल आपको ORVMs देखने को मिलते हैं. एंड इस पर आपको पेडल लैंप्स भी देखने को ऑप्शन मिल जाता है. साथ ही अगर आप साइड की प्रोफाइल चेकआउट करें तो कुछ इस तरह की प्रोफाइल आपको देखने को मिलती है. स्पोर्ट्स वेरिएंट में आपको ब्लैक रूफ रेल्स देखने को मिलते हैं. एंड अगर रूफ़ की बात करें तो आपको वो भी ब्लैक ही देखने को मिल जाता है. ये कुछ कार की साइड प्रोफाइल है. एंड अगर बी प्लस की बात करें तो ब्लैक एंड आपको बी प्लस देखने को मिलते हैं. ए प्लस भी आपको ब्लैक एंड देखने को मिल जाते हैं. एंड सिमिलरली अगर पीछे की तरफ आते हैं तो आपको ऐसी कुछ बैक प्रोफाइल देखने को मिलती है. अगर डी प्लस की बात करें तो ये पियानो ब्लैक फिनिश में आपको क्वार्टर ग्लास की एक फिनिशिंग दी गई है इस पर. और जो आपके स्पेयर व्हील की जो टायर रहती है वो भी आपको एलॉय देखने को मिलती है. स्टील रिम्स आपको नहीं मिलते हैं, एलॉय आपको स्पेयर व्हील पे भी देखने को मिल जाते हैं. ये गाड़ी कुछ प्रोफाइल है, बैक प्रोफाइल. पीछे आपको एलईडी टेल लैम्प देखने को नहीं मिलते हैं. एक डीमेरिट आप कह सकते हैं इस कार की. यानी यहाँ पे आपको एक क्रोम की बैजिंग है, एक इंसर्ट्स क्रोम इंसर्ट्स आप देख सकते हैं. साथ ही फॉर्ड की बैजिंग, कार की बैजिंग, इको स्पोर्ट की बैजिंग. एंड अगर इस तरफ आप देखेंगे तो आपको टाइटेनियम एस, दिस मीन्स टाइटेनियम स्पोर्ट्स वेरिएंट वेरिएंट की बैजिंग. एंड यहाँ TDCI, दैट मीन्स डीजल वेरिएंट है ऑफ द कार. ये कुछ इसकी प्रोफाइल है, बैक प्रोफाइल. आपको रियर व्यू वाइपर्स देखने को मिलते हैं, साथ ही डिफॉगर्स, स्पॉयलर्स नहीं मिलते. साथ ही अगर आप एंटीना देखें तो आपको रूफ माउंटेड एंटीनाज देखने को मिल जाते हैं. स्पेयर व्हील टायर्स की बात करें तो आपको सेम साइज टायर्स इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, जो हैं 205/60 R16 टायर्स. ये काफ़ी एक अच्छी बात है. एंड नीचे की तरफ आपको रिवर्स पार्किंग लाइट एंड रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं. साथ ही आपको चार पार्किंग सेंसर इसमें देखने को मिलेंगे. एंड अगर रिवर्स पार्किंग कैमरा की प्लेसिंग की बात करें तो आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा की प्लेसिंग आप एक बार चेकआउट कर ले. साथ ही नीचे की तरफ आपको नंबर प्लेट लाइटिंग भी देखने को मिल जाती है. ये गाड़ी कुछ बैक प्रोफाइल है, एक बार आप चेकआउट कर ले. सो दिस डीजल वेरिएंट प्रोड्यूसेस अ मैक्सिमम पावर ऑफ 100 PS एंड अ टॉर्क ऑफ 198 Nm. एंड अगर आप माइलेज की बात करें तो आपको 21.6 KMPL की माइलेज इस पर देखने को मिल जाती है. सो लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर. आपको डोर हैंडल बॉडी कलर्स में देखने को मिलते हैं. एंड अगर आप इसको, आपको कीलेस एंट्री इसका ऑप्शन दिया गया है. सिंपली अगर आप मैं पहले आपको लॉक करके दिखाता हूँ. कार लॉक हो गई. आपको ऑटो फोल्डेबल ORVMs मिलते हैं जैसा कि मैंने बताया था. तो सिंपली अगर आप कीलेस एंट्री की बात करें तो सिंपली आपने आपको की को अपने पॉकेट में रखना है. एंड अगर आपने हैंड को यहाँ प्लेस करेंगे तो कार आपकी अनलॉक हो जाएगी. एंड सिमिलरली अगर आप अपनी फिंगर को इस जगह पर प्लेस करेंगे तो ये कार लॉक हो जाएगी. तो चलते हैं अंदर की तरफ. टॉकिंग अबाउट द डोर पैनल्स एंड द इंटीरियर्स, आपको ब्लैक कलर में इंटीरियर्स देखने को मिलते हैं विद ऑरेंज ट्रीटमेंट. आपको ऑरेंज ट्रीटमेंट कई जगहों पर देखने को मिलेगा. ये स्पोर्ट्स वेरिएंट में आपको प्रोवाइड किया जाता है, बाकी वेरिएंट्स पे आपको ऑरेंज ट्रीटमेंट देखने को नहीं मिलती है. टॉकिंग अबाउट द डोर पैनल, आपको ब्लैक
में डोर पैनल्स देखने को मिलते हैं, हार्ड प्लास्टिक आपको का यूज़ थोड़ा देखने को मिलता है। एंड अगर हैंडल्स की बात करें तो आपको इस पर लेदर पॉलिस्ट्री का यूज़ किया गया है, लेदर टाइप की पॉलिस्ट्री इस पर आप कह सकते हैं, काफ़ी सॉफ्ट है। एंड यहाँ पे आपको कुछ स्पेस दिया गया है अपने कुछ सामान रखने के लिए। एंड यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स हो गए, यहाँ आपके पावर विंडो के कंट्रोल्स, ORVMs के एडजस्टर्स आपको अगर एडजस्ट करना है अपनी ORVMs को तो आप राइट साइड की आपको एडजस्ट करनी है तो आप इसे प्रेस करके राइट साइड की एडजस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर लेफ्ट साइड ही करनी है तो इसे प्रेस करके आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही आपके सारे पावर विंडो के कंट्रोल्स हो गए, यहाँ आपके लॉक अनलॉक के बटन, साथ ही ट्विटर की प्लेसिंग, ओपन क्लोज एंड एक डोर की प्रोफाइल है। साथ ही नीचे आपको स्पीकर की प्लेसिंग और बॉटल होल्डर की स्पेस आपको देखने को मिल जाती है। कार पे आपको 4 स्पीकर्स प्लस 2 ट्विटर्स देखने का ऑप्शन मिल जाता है। एंड दिस कार कम्स विथ सनरूफ, टाइटेनियम प्लस वेरिएंट से आपको सनरूफ मिलने शुरू हो जाते हैं। टाइटेनियम प्लस स्पोर्ट्स आपको सब सनरूफ से कार में प्रोवाइड की जाती है। एंड अगर आप इंटीरियर की प्रोफाइल चेक करें तो कुछ इस तरह की आपको प्रोफाइल देखने को मिलती है, पैनोरामिक सनरूफ आपको नहीं मिलता है। तो आप एक बार इंटीरियर की प्रोफाइल चेक कर लें। टॉकिंग अबाउट द सीट्स, आपको ड्राइवर सीट्स हाइट एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं, साथ ही आपको रिक्लाइन करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अंदर की तरफ अगर आते हैं तो ऐसी कुछ प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगी। साथ ही स्टेयरिंग की बात करें तो आपको क्रूज़ कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, आपके क्रूज़ कंट्रोल्स के ऑप्शन हो गए, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, आपके इंफोटेनमेंट डे कंट्रोल्स एंड आपके कॉल पिक ड्रॉप के कंट्रोल्स एंड साथ ही वॉल्यूम को इंक्रीज करने के कंट्रोल्स आप यहां पर देख सकते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी आपको मिलते नहीं है इस वेरिएंट पे। एंड अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो 7 इंचेस की आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम की मिलती है, विच सिंक 3 विच सपोर्ट्स एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। गाड़ी की स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ प्रोवाइड की गई है, क्लस्टर है। आप इंफोटेनमेंट सिस्टम की ओपनिंग आप एक बार चेकआउट कर ले। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो आपको काफ़ी अच्छा एक स्मूथ इंटरफेस देखने को मिलता है। वॉल्यूम कम कर दूँ मैं, हाँ आपको इसका अच्छी एक काफ़ी अच्छी खासी आपको एक इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें प्रोवाइड की जाती है, काफ़ी स्मूथ है। इंटीग्रेटेड मैप्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, साथ ही काफ़ी स्मूथ आपको एक इस पर इंटरफेस देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप बात करें तो आप यहाँ से अपनी एम्बिएंट लाइटिंग भी आपको इस कार में देखने को मिलता है, आप एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ से आप सिमिलरली आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको यहाँ कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल एंड सिमिलरली अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। सो ऐसी कुछ है, अगर आपको विजिबल हो पा रही होगी तो अभी मैंने पर्पल पे सेट किया है ना, आपको यहाँ पे लाइटिंग दिख रही होगी। दिन के टाइम पे उतनी जस्टिस नहीं हो पा रही है, बट आपको रात के टाइम पे अच्छे से ये इसे इसका अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये काफ़ी एक अच्छी फीचर है, एक प्रीमियम फीचर आप कार की कह सकते हैं, एक कार को प्रीमियमनेस प्रोवाइड करती है। आपको कंपास देखने को मिलता है। एंड अगर ORVMs की बात करें तो ऑटो डिमिंग आपको देखने को मिलती है, साथ ही एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं। और केबिन लाइट्स की बात करें तो आपको LED केबिन लाइट्स प्रोवाइड नहीं की जाते हैं, हैलोजन केबिन लाइट्स को प्रोवाइड की जाते हैं। पर इस रेंज के हिसाब से जिस अमाउंट आप पे कर रहे हैं, आप इस पर LED फॉर्ड को मे बी LED केबिन लाइट्स प्रोवाइड करने चाहिए थे, बट एनीवेज आपको यहाँ पे सेपरेट एडजस्टमेंट्स मिल जाएंगे अपने केबिन लाइट्स को सेट करने के। एंड यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर प्रोवाइड किया गया है और यहाँ पे आपके सनरूफ के कंट्रोल्स हो गए, आप देख सकते हैं यहाँ से इसे टैप करके आपको रखना होगा, वन टच आपको देखने को नहीं मिलता है। एक अच्छा खासा आपको बड़ा सनरूफ देखने को मिलता है। एंड अगर सन ब्लाइंड्स की बात करें तो वो आपको मैन्युअली बंद करने होंगे, ऐसी कुछ इसकी फंक्शन आप देख सकते हैं। अगर वैनिटी मिरर्स की बात करें तो वैनिटी मिरर्स विद आपको लाइट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ड्राइवर साइड्स आपको वैनिटी मिरर्स नहीं मिलते हैं, ना ही लाइट देखने को मिलती है। एंड ये गाड़ी की कुछ प्रोफाइल है, आपको ऑरेंज ट्रीटमेंट काफ़ी जगहों पे देखने को मिलेगा। अगर आप एसी वेंट्स की प्रोफाइल चेक करें तो कुछ इस तरह की आपको एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं, जो हर वेरिएंट पे सेम ही आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है, जिसकी मिनिमम जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है वो 15.5 लोएस्ट टेम्परेचर है, जो इस सेगमेंट में कोई भी कार इतनी लोएस्ट टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करती है। यहाँ आपको USB पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, साथ ही यहाँ पे एक स्पेस प्रोवाइड की गई है अपने सामान को कुछ रखने के लिए, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट एंड यहाँ आपको 5 स्पीड मैनुअल गेयर बॉक्स देखने को मिलता है।
और अगर हैंड ब्रेक की प्लेसिंग की बात करें तो यहाँ हैंड ब्रेक की प्लेसिंग यहाँ दी गई है। साथ ही आपको क्रोम बटन देखने को मिलता है, यहाँ आपको ग्लास होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पर एक और छोटी स्पेस आपको प्रोवाइड की गई है। आर्मरेस्ट की बात करें तो आपको एडजस्टेबल आर्मरेस्ट नहीं मिलते हैं, पर आपको एक अच्छी खासी डीप स्टोरेज इसमें देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी डीप स्टोरेज है इस पर। एंड अगर प्लेसिंग की बात करें, थोड़ी सी और प्लेसिंग आपको आर्मरेस्ट की लग सकती है, अच्छी इसकी प्लेसिंग नहीं की गई है टू बी ऑनेस्ट, बट ओवरऑल गाड़ी में अगर आप बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छी प्रीमियम फील आएगी एंड काफ़ी एक एसयूवी फील आपको देने वाली है। अगर लेग स्पेस की बात करें तो मैं बता दूं मेरी हाइट 5'8" है एंड आप मेरी लेग स्पेस नी रूम चेकआउट कर सकते हैं। थाई सपोर्ट आपको एक डिसेंट एक अच्छा थाई सपोर्ट मिल जाता है एंड हेडरूम भी काफ़ी आपको अच्छा है देखने को मिलेगा। अगर कुछ लोग 6 feet हैं या उससे अबव हैं तब भी आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ नी रूम एंड हेडरूम आपको देखने को मिल जाएगा। थाई सपोर्ट एक अच्छा है आपको मिल जाता है इस पर। एंड क्लस्टर की बात करें तो डिजिटल क्लस्टर आपको देखने को नहीं मिलता, एनालॉग क्लस्टर आपको देखने को मिलता है। टैकोमीटर ऑन द लेफ्ट, स्पीडोमीटर ऑन द राइट, बीच में आपको MID की मेन्यू देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप काफ़ी मेन्यू को आपने स्क्रॉल कर सकते हैं, काफ़ी मल्टी इन्फॉर्मेशन आपको ये शो करती है एंड आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। फ्यूल लो की भी आपको कैपेसिटी दिखाती है एंड कितनी फ्यूल की कैपेसिटी है, क्या एवरेज देगी आपको, सारी चीज़ें वो इस मैडम MID स्क्रीन में आपको अपनी शो कर दी जाएगी। सो ये काफ़ी फ्रंट प्रोफाइल से कुछ आप कार के बार लुक चेकआउट कर ले। सॉरी नो USB डिवाइसेस करंटली कनेक्टेड। चलते हैं पीछे रियर सीट्स पे आना, पीछे के रियर सीट्स की कंफर्ट के बारे बात करते हैं एंड देखते हैं पीछे के सीट्स पे आपको क्या प्रोवाइड की जाती है। पीछे की प्रोफाइल अगर आप चेकआउट करें तो कुछ इस तरह की आपको केबिन लुक देखने को मिलती है। पीछे की तरफ भी आपको ऑरेंज इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही आपको पावर विंडो कंट्रोल्स, यहाँ एक ग्रैब हैंडल की स्पेस दी गई है। साथ ही आपको हैंडल्स देखने को मिलता है, स्पीकर्स की प्लेसिंग आप देख सकते हैं, साथ ही बॉटल होल्डर की स्पेस आपको देखने को मिल जाती है। ये कुछ साइड प्रोफाइल है कार की। अगर पीछे की तरफ से अगर आप देखें, हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं, साथ ही आपको बीच में आर्मरेस्ट भी प्रोवाइड की गई है। इस पर प्लास्टिक चढ़ी हुई है तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको इसे, बट इस पर आपको हैंडरेस्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है विद कप होल्डर्स। एंड आपको अगर पीछे से प्रोफाइल चेकआउट कराऊँ मैं तो आपको ऐसी कुछ प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। एंड अगर सीट कम्फर्ट की बात करें तो आपको एक अच्छा सीट कम्फर्ट देखने को मिल जाता है। अभी सीट्स पूरी पीछे नहीं की हुई है, आप ये पीए सीट्स ड्राइवर सीट्स आप देख सकते हैं पूरी पीछे की हुई है, साथ ही रेक्लाइन भी किए हुए हैं। तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिए कि आपको कितनी स्पेस देखने को इसमें मिल जाएगी। अगर इतनी मेरी इस पोजीशन पर अगर मैं सीट लेग कंफर्ट की बात करूं, नी रूम की बात करूं, तो एक अच्छी नी रूम आपको देखने को मिल जाती है एंड इको स्पोर्ट पे डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस आपको प्रोवाइड की जाती है। हेड रूम काफ़ी अच्छा आपको मिलता है, नी रूम आप थोड़ी डिसेंट कह सकते हैं। एंड पीछे की तरफ आपको AC वेंट्स इस पर प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं एंड टू बी ऑनेस्ट आपको लिटरली पीछे के AC वेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इको स्पोर्ट की AC यूनिट काफ़ी पावरफुल है, सो काफ़ी जल्दी चिल आउट कर देती है एंड कारों काफ़ी जल्दी कूल कर देती है। आपको सीट बेल्ट्स की अगर बात करें तो आपको हाइट एडजस्टेबल्स देखने को नहीं मिलते हैं। एंड ये पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ अगर केबिन लाइट्स की बात करें तो केबिन लाइट्स की प्लेसिंग आपको यहाँ दी गई है। ये भी आपको नॉर्मल येलो जो हैलोजन लैम्प्स रहते हैं आपको वही प्रोवाइड किए गए हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट। एंड पीछे की तरफ अगर बात करें तो आपको ऐसी कुछ लुक देखने को मिलती है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट का आपको पावर सॉकेट देखने को मिलता है। मैं लाइट काफ़ी कम है, एक बार मैं दरवाज़ा खोल कर दिखाऊँ आपको। तो आपको 12 वोल्ट की पावर सॉकेट यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है रियर सीट्स पे। एंड एक बार आप प्रोफाइल चेकआउट कर लें, यहाँ स्पीकर की प्लेसिंग साथ ही बॉटल होल्डर की स्पेस आपको देखने को मिल जाती है। ये कुछ पीछे से प्रोफाइल है, केबिन व्यू आपको देखने को ऐसी कुछ मिलती है एंड सनरूफ आपको काफ़ी अच्छी एक डिसेंट सनरूफ आपको इसमें प्रोवाइड कर दी जाती है। सो ये कुछ कार के इंटीरियर्स थे। साथ ही आपको एयरबैग्स, 6 एयरबैग्स स्पोर्ट्स मॉडल में देखने को मिलते हैं, अगेन विच इज़ वेरी गुड एंड फोर्ड की बिल्ड क्वालिटी इज़ टॉप नॉच। वो चलते हैं बूट की तरफ एंड बूट स्पेस की बात करते हैं, देखते हैं आपको पीछे बूट्स पे आपको कितना स्पेस मिलता है एंड क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको टेल गेट ओपनिंग देखने को मिलती है, साथ ही यहाँ पे एक बटन दी गई है, सिंपली आप उसे टैप करके इसे ओपन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है इस पर। अगर पीछे की तरफ आप टेल गेट का देखें तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। 352 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस आपको देखने को मिलता है इसमें। एंड साथ ही अगर बात करें तो पीछे की तरफ आपको
केबिन बूट लैंप्स भी देखने को मिलते हैं विद ग्रॉसरी हुक्स। एंड यहाँ आपको कुछ स्पेस दी गई है, साथ ही अगर आप नीचे की तरफ देखें तो आपको ऐसी कुछ स्पेस प्रोवाइड की गई है। पीछे आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो आप एडजस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपके एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे देखने को मिल जाता है। एंड अगेन ये गाड़ी की कुछ प्रोफाइल है, बैक प्रोफाइल। टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी फीचर्स ऑफ द कार्स, यू गेट ABS विथ EBD, 6 एयर बैग्स, फ्रंट डिस्क ब्रेक्स, रियर ड्रम ब्रेक्स, सेफ क्लच स्टार्ट, वन स्टार्ट पुश स्टार्ट बटन। एंड अगर आप टॉप बिल्ड फोर्ड की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो अगेन इट इज़ टॉप नॉच। अगर आपको डोर की थडिंग से आप अंदाज लगा सकते हैं कार की बिल्ड क्वालिटी कितने अच्छे तरीके से की गई है। एंड ओवरऑल एक बार आप लुक चेकआउट कर ले कार की। सो दिस वॉज द ओवरलुक ऑफ द कार। आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट डाउन बिलो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ वरुण साइनिंग ऑफ।